हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। कैसा रहा पूरा ग्रुप वन? अच्छा गया? नहीं भी गया तो छोड़ दो, आराम से भूल जाओ। अब 2 महीने बाद देखना क्या अच्छा गया क्या खराब गया। आज बात करते हैं सर सीए फाइनल लॉ के पेपर के बारे में। सर आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे हो तो आपको अंदाजा लग गया होगा पेपर कैसा होगा। हमने ऑलरेडी 2 दिन में उस पर डिस्कशन में लगे हुए थे। सर पेपर क्या था? सर पेपर ये था क्या? सर पूरा पेपर अभी डिस्कस करोगे? सर बिल्कुल नहीं, मैं आपका टाइम नहीं, उसको जाओ यार एंजॉय करो। भूल भुलैया 2 लगा हुआ है, जाओ मूवीज देखो। ग्रुप वन वाले एंजॉय करो, क्योंकि मेरे को जहां तक पता था मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप वन में ही थे। ठीक है, तो ग्रुप वन वाले आराम से जाओ एंजॉय करो। पेपर इसका मैं प्रॉपर कैलकुलेशन जो भी होगा प्रॉपर करके मैं आराम से 1-2 दिन बाद अच्छे से वीडियोज बनाऊंगा इसके रिगार्डिंग। हाँ पेपर को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, पेपर कहाँ से कितने मार्क्स का आया, क्या कुछ चेंजेस थे, मतलब पिछले अटेम्प्ट के इस अटेम्प्ट में कुछ पेपर पैटर्न में चेंज था क्या था, उसका डिस्कस करते हैं। नवंबर वालों के लिए एक थोड़ा डिस्कशन करूंगा। ठीक है, पेपर मैं पूरा गो थ्रू किया हूं। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट के मैं एनालाइज भी किया हूं पेपर को। सर अगर जिसने भी पेपर को कंसेप्ट वाइज किया होगा, मैं अभी भी बोलता हूं लॉ के पेपर के लिए ना आपको कंसेप्ट देखना पड़ेगा। आप कोशिश करो वो न्यू प्रोविजंस को रिकॉल करने में, रादर देन आप क्वेश्चन बैंक को फॉलो करो। क्वेश्चन बैंक कुछ नहीं होता, लॉ का पेपर आपका 70% न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। लॉ के पेपर में 60% तो न्यू मिलेगा ही मिलेगा। सर पेपर थोड़ा डिस्कस कर लो, कहां-कहां से पेपर क्या-क्या थे। ठीक है सर, स्मॉल श्योर डायरेक्टर जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट जाकर देख लेना। अभी जाके आप देख लेना, मेरे टेलीग्राम जाकर चले जाना, लॉ मीटअप टेलीग्राम चैनल है, आपको पता चल जाएगा कल हमने क्या क्या डिस्कशन किया था और कितने रिस्पॉन्स मेरे को आया। आई एम रियली हैप्पी। ठीक है, दिसंबर अटेम्प्ट क्लियर करने बाद मैंने आके अप्रोक्स मेरे को नहीं तो 400+ स्टूडेंट्स पढ़ाया हूँ। जहां तक मैं, वो कल मैंने सिर्फ 500+ क्वेरीज रिजॉल्व की थी यूट्यूब पे, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, जहां जहां क्वेरीज थी मैंने अकेले रिजॉल्व की। ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगा यार, पेपर अच्छा जाता है आप लोग का। हाँ पेपर ये नहीं बोलूंगा इजी पेपर था, क्वेश्चंस आर सब मतलब क्वेश्चंस नए ही थे सारे। ठीक है, क्वेश्चन नए थे, क्वेश्चन में 2 ऐसा था पार्ट जहां पे क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेटिव था, जहां पे आपको फास्ट ट्रैक मर्जर का क्वेश्चन ये सब रिपीटेटिव था। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन का पार्ट हमेशा नया ही रहता है। सर देखो कहां कहां से पेपर था, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर से पेपर था। ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 151 होता है सर, इंपॉर्टेंट है। मैं गला फाड़ फाड़ के बोल रहा था सर कि मैं बोल रहा था प्लीज ये करके जाना करके ना। देखो सर ये कैसे एनालाइज होता है, आरटीपी एमटीपी आपको ऐसा एक टेस्ट देगा कि देखो मैं ये सब क्वेश्चन पिक करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्मॉल शेयर डायरेक्टर था सर। शेड्यूल 5 मेरे अंदाज से इंपॉर्टेंट नहीं था बट आ गया। पहले तो क्वेश्चन मैं देखा शेड्यूल 5 पर तो मेरे को लगा टैक्स का क्वेश्चन है लिटरली। आपको क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, देखो मैं पूरा डिस्कस अभी नहीं करूंगा क्वेश्चन। ठीक है, आप वीडियो देखना, देखो देखो पहला बताया था स्मॉल शॉट एक्टर्स था। सेकंड क्वेश्चन मेरे को देख के लगा ना, आप देखो 60 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 5 लाख, मेरे को लगा ये टैक्स का पेपर अभी कहां से आ गया, डीटी में तो टाइम है। लेकिन मैं वो लगा नहीं, ठीक है वो इंश्योरेंस देखा ना तो मेरे को आइडिया हो गया। सर इसमें क्या आता है, इंश्योरेंस जब आप कुछ गिल्ट करते हो ब्रीच करते हो आपका इंश्योरेंस उस पार्ट में ऐड होता है। सर यहाँ पे बोल दिया आपका नेगेटिव इफेक्टिव कैपिटल है तो नेगेटिव केस में 60 लाख होता है। ऐसे मैं भी कुछ बताऊंगा नहीं, आप खामखा टेंस हो जाओगे ऊपर नीचे। जितना लिखा है प्रोविजन लिखा है, प्रोविजन लिखा है ना आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वही डिस्कस कर रहा हूँ। शेड्यूल 5 से क्वेश्चन था सर, प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। पिछले बार क्वेश्चन नहीं था, मैं सर बोल रहा था पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो 241 क्लास सेक्शन मेरे लिए हाईली इंपॉर्टेंट था। पता नहीं ऑब्जेक्टिव में क्लास सेक्शन आया कि नहीं आया, बट हाँ 241 244 का लिंकेज में क्वेश्चन आया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कॉम्प्रोमाइज का फास्ट ट्रैक मर्जर। ठीक है, इजी क्वेश्चन, रिपीटिव क्वेश्चन। ठीक है, रिपीटिव क्वेश्चन था यहां से सर। ये निधि कंपनी, तो मेरे एनालिसिस बताता हूं कहां कहां से। देखो ये मैंने बताया था स्टूडेंट्स को, दिस वन ये मैंने नहीं बताया, ये मैंने बताया मतलब पढ़ाया सब कुछ, मैंने इंपॉर्टेंट लिस्ट में ये डाला था, ये डाला था। ठीक है, ये मैंने चलो मैंने बताया, मैंने बोला भी नहीं निधि कंपनी, तो मैं भाई बोल रहा था पक्का आने वाला पक्का निधि कंपनी, क्योंकि जो मैंने 10 एडिशनल केस इंट्रोड्यूस किए थे ना सर, वही मैं बोला नवंबर वाले थोड़ा है ना एनालिसिस करना सीखो। आईसीए देखो कहां 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 जा रहा है, एमटीपीज देखो, आरटीपीज बनाओ, इससे देखो बना के क्या फायदा होता है ना, आपको आइडिया हो जाता है ऐसे कहाँ कहाँ किस किस जोन में जा रहा है। तो हमें को पता चल गया निधि कंपनी, सुबह सुबह एक क्वेश्चन आया कि सर वैल्यूअर नहीं करे। देखो दोस्त आईसीए ने आपको ऑलरेडी वैल्यूअर पर चेक कर लिया था प्रीवियस दिसंबर 21 अटेम्प्ट में, कहीं ना कहीं रिमूवल ऑफ नेम भी चेक कर लिया, तो मेरे को लगा निधि कंपनी तो हाईली इंपॉर्टेंट है, आरटीपी में दिख गया था, एडिशनल केस सिनेरियो में भी दिख गया था। सर ये एक पहला पेनल्टी वाला, ये भी कल क्या हुआ, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट इसमें, कल स्टूडेंट बोला सर स्पेशल कोर्स से कोई क्वेश्चन, मैं बोला देखो दोस्त ओपीसी की पेनल्टी में अमेंडमेंट है कि हाफ पेनल्टी हो जाती है और मैक्सिमम अप टू समथिंग 2 लाख पर था। ठीक है, यहाँ पे पेनल्टी पूछ दिया, सपोज ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वो आपको लोन के बेसिस पे दिखाएगा, वो आपको पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन के बेसिस पे दिखाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसलिए पेपर डिस्कस करने के मूड में हुई नहीं, भी जाओ एंजॉय करो। देखो ये इस पॉसिबल टू लेवी लेसर पेनल्टी, सर ओपीसी का केस था, पॉसिबल टू लेवी लेसर पेनल्टी। देखो ठीक है,
अनूप इस सॉरी स्मॉल कंपनी का केस था, स्मॉल कंपनी ओपीसी और स्टार्टअप केस में लेसर पेनल्टी होता है, 1.5 होता है, मैक्सिमम अप टू 2 लाख होता है। तो यही पूछ रहा है कि क्या क्या होगा, कैसे होगा, डिस्कस कर लिया। सर देखो अमेंडमेंट, क्या बोल रहा हूँ अमेंडमेंट, सर क्या बोल रहा हूँ अमेंडमेंट सर, आर्बिट्रेशन चैप्टर से 3 मार्क्स का आया, ठीक है। देखो एक अमेंडमेंट यहाँ दिख गया, कहीं ना कहीं ये भी कुछ ना कुछ अमेंडमेंट पार्ट रहा था, 2 अमेंडमेंट दिख गया, आर्बिट्रेशन क्लॉज सबमिशन एग्रीमेंट का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ, बट वहां पे लिखता था कि जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में ये पार्ट इंक्लूड है, यहां बोलता है कि इंक्लूड नहीं है, तो क्या होगा? तो भैया सिंपल बात, बाद में डिस्प्यूट रेफर करोगे सबमिशन, अदरवाइज नहीं हुआ तो उसको आर्बिट्रेशन लेकर नहीं जा पाओगे, ठीक है। सर सेक्शन 124 कोडम, सर यहाँ भी अमेंडमेंट आया था कोडम के बारे में पूछा ही पूछा, प्लस पूछा क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप ये फाइनल कर सकते हो। सर लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले नहीं होता था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, बट आफ्टर कोरोना ये अमेंडमेंट आया तो अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है। तो ये तीसरा अमेंडमेंट, तो पहला अमेंडमेंट, दूसरा अमेंडमेंट, तीसरा अमेंडमेंट, ठीक है। सेक्शन 124 तो मैंने बोल दिया था भाई दोस्त, देखो 184, 185 ये सब आईसीआई ने बहुत बार टेस्ट किया हुआ है, हो सके जिस पर चांसेस है आईसीआई स्टार्टिंग सेक्शंस में रहने वाला है, 174 वाले सेक्शंस में रहने वाला है। अरे देखो ऑलरेडी वीडियो है, पास्ट में इंक्लूड है, कोई फ्यूचर नहीं बोला, पास्ट में वीडियो जाकर देख लो, मैं हर चैप्टर से 3-4 सेक्शन बोलो, ठीक है, तारीफ नहीं करो, बस एनालिसिस बता रहा हूं, ठीक है। सर मनी लॉन्ड्रिंग एज यूजुअल 9 मार्क्स का था, इजी क्वेश्चन था, मनी लॉन्ड्रिंग में बोलता है कि अरेस्ट होने बाद आपको प्रेसिडेंट के पास जाएगा, नहीं सीजी के पास जाता है। सर व्हाट इज शेड्यूल ऑफेंसेस, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी लिख के आना था आपको, ठीक है। तो ये भी इजी 6 नंबर का इजी क्वेश्चन था, 3 नंबर फिर आया, तो टोटल 9 मार्क्स का मनी लॉन्ड्रिंग एज यूजुअल 9 मार्क्स का पिछले वाली बार मनी लॉन्ड्रिंग आया। सर वाइंडिंग अप, सर ये ऐसा चैप्टर है ना जो बोलूंगा जब एग्जाम दे जाओ ना उसके ऑलरेडी आप पढ़ाई करने से पढ़ाई करो, बट जिस दिन रिवीजन कर रहे हो ना एग्जाम डेज में इसको लास्ट डेट रखो। सो इसके इंपॉर्टेंट 10 से 15 सेक्शंस है जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, इसमें इंक्लूडेड 222 इज हाईली इंपॉर्टेंट सेक्शन, एंड और भी जो सेक्शन है 10 से 15 मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला था, क्वेश्चन यही है 222 पूछ दिया सर्कमस्टांसेस ऑफ वाइंडिंग अप, क्या क्या केस में वाइंडिंग अप हो सकता है। तो देखो पेपर एज यूजुअल एकदम नया नहीं था, पेपर क्वेश्चन नए थे, टॉपिक्स ऑलरेडी सब अच्छे बार बहुत बार आ चुके हैं, एसएसडी आ चुका है, शेड्यूल 5 आ चुका है, ऑपरेशन का 241, 244 का लिंकेज आ चुका है, कॉम्प्रोमाइज का फास्टैग वाला आ चुका है, ठीक है। तो ये सेक्शन आईसीआई ने ज्यादा फोकस किया, और देख लेते हैं सर फॉरेन कंपनी, मेरे लिए तो सर ये एक कैटेगरी चैप्टर होता है। सर 379 दिस इज आल्सो एन अमेंडमेंट, तो सर अमेंडमेंट देखो कहां कहां है, सर एक अमेंडमेंट, ठीक है सर, 2 अमेंडमेंट, 3 अमेंडमेंट, 4 अमेंडमेंट, सर ये सब पिछले पिछले ईयर मतलब पिछले अटेम्प्ट के अमेंडमेंट है। सर आपका जो अब नॉर्मल अटेम्प्ट आएगा ना, आप इस बार के अमेंडमेंट दिमाग में रख के जाना, सर अमेंडमेंट पूछेगा ही पूछेगा, लॉ में 20% to 25% अमेंडमेंट होता है, मेरे अटेम्प्ट में भी 15-20 नंबर का पेपर अमेंडमेंट था, तो सर अमेंडमेंट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर लॉ, ठीक है। सर फेमस से 6 मार्क्स एज यूजुअल, पिछले बार भी 6 मार्क्स था, एफसीआरएस से सर 3 मार्क्स, सर फॉरेन सोर्स, सर आईसीआई हिंट देगा, आईसीआई ने अपने चैप्टर में इस बार एमटीपी में फॉरेन सोर्स में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन पूछा था, एमएनसी पूछा था, और इस बार भी एफसीआरए में फॉरेन सोर्स ही पूछा कि क्या फॉरेन सोर्स से पैसा आ रहा है, क्या वो फॉरेन सोर्स है या नहीं है, कोई पर्सन वहां जाकर सिटीजनशिप ले लिया तो फॉरेन सोर्स होता है, ठीक है। सर पीपीआईआरपी अगेन अमेंडमेंट, सर प्रीवियस ईयर प्रीवियस अटेम्प्ट का अमेंडमेंट, तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, तो सोचो सर अमेंडमेंट से कम 25 मार्क्स आपके पास रहेंगे। सर इसलिए अमेंडमेंट देख के ना, मनी लॉन्ड्रिंग में एक अच्छा अमेंडमेंट आ चुका है, हो सके आप अगले टाइम में देखने में मिल जाएगा रिपोर्टिंग एंटिटी में, ठीक है। सर इंडिपेंडेंट एक आया था इंडिपेंडेंट ऑडिटर वाला, उसमें रीअपॉइंटमेंट का, इंडिपेंडेंट 5 साल के होता है, फिर बोल वही देखो क्वेश्चन दिखाई देता हूँ, चलो कुछ कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देखो एबीसीआर इंडिपेंडेंट ऑडिटर of X Limited, A was appointed for 3 years, B was appointed for 5 years, and C was appointed for a second term of 5 years. ये important है. C was appointed for second term. अब बोल रहा है कि all independent director 30 तारीख खत्म होने वाला है. X planning to consider reappointment of above independent director. You are requested to advise whether A, B, C are reappointed. भाई C तो already second term में आ चुका है, तो C कब 3 साल का cooling period होगा? सर 5-5-3, 5-5-3, 5-5-3. मतलब सर पहला इंडिपेंडेंट ऑडिटर 5 साल होगा, फिर उसको ऐसा पास करके 5 साल होगा, फिर उसका कूलिंग पीरियड 3 साल होगा, तो सी इज नॉट अगेन फॉर रीअपॉइंटमेंट, उसका 3 साल का कूलिंग पीरियड होगा, देन आफ्टर वो रीअपॉइंट हो सकता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, 5-5-3 आपको आइडिया भी होगा, ठीक है। तो सर लगभग पेपर, सर मैं बोलूं अगर मैं सच बताऊं, अगर मैं पेपर को 10 में पॉइंट्स दूंगा ना, दिसंबर का पेपर अगर मैं हार्डनेस मतलब हार्ड के लेवल बोलूं, दिसंबर पेपर 10 में आपको बोलूं तो कम से कम 8 था हार्ड के लेवल, सर इस बार पेपर 10 में मैं बोलूं तो 6 और 5 था, ठीक है। एकदम हार्ड भी नहीं था, एकदम इजी नहीं था, पेपर क्वेश्चन न्यू थे, अच्छे टॉपिक्स थे, पीपीआरटी का अच्छा कॉन्सेप्ट था, 70 लाख था वहां पे, आपको फाइनेंशियल क्रेडिटर का रोल ही नहीं, क्योंकि 70 लाख तक आप आराम से पीपीआरटी स्टार्ट करवा सकते हो, क्योंकि वहां पे डिफॉल्ट 1 करोड़ का होता तभी फाइनेंशियल क्रेडिटर जाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने सारे क्वेश्चन एक इंडाइट में डिस्कस कर दिया, सर ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में। फॉर फेमा 6 मार्क्स का था, हाँ सेबी 8 मार्क्स का था, तो कहीं ना कहीं पेपर पैटर्न दिसंबर वाला अटेम्प्ट का ही चला हर जगह, सेबी 8 मार्क्स, फेमा 6 मार्क्स, एफसीआरए 3, आर्बिट्रेशन 3, पीपीआईटी वाला चैप्टर 9-10 मार्क्स का, मनी लॉन्ड्रिंग लगभग 9 मार्क्स का,
ठीक है, डायरेक्टर्स चैप्टर वही 20-24 मार्क्स के रेंज में किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिसंबर अटेम्प्ट और ये अटेम्प्ट पेपर डिसाइड कर देगा कि पेपर पैटर्न कैसा होने वाला, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, तैयारी करो नॉर्मल अटेम्प्ट के लिए भैया, जिसका एग्जाम खत्म हुआ ना पक्का बोलो, 5 दिन बुक कॉपी 10 दिन छूना मत, जाओ भूल भुलैया 2 देखो, जहाँ घूमना वहाँ घूमो, फ्री हो तो आओ मिलो बातें करते हैं, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।